चित्तौड़गढ़ राणा पुंजा भील समाज विकास समिति के तत्वाधान में भील समाज के दर्जनों व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 नवंबर को डूंगला थाना क्षेत्र के सांगरिया में हुई लालीबाई की हत्या के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। राणा पुंजा भील समाज विकास समिति के तत्वाधान में सोमवार को भील समाज के दर्जनों व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर दिए गए ज्ञापन में बताया कि लालीबाई पत्नी भैरूलाल भील निवासी सांगरिया थाना डूंगला की 15 नवंबर को बकरिया चराकर लौटते समय इसी गांव के निवासी उदयलाल पुत्र कालूलाल मेघवाल ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी उदयलाल को गिरफ्तार कर दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि आरोपी उदयलाल पूर्व में भी इस तरह की कई वारदातों में लिप्त रह चुका है। भील समाज ने ज्ञापन देकर उदयलाल को फांसी की सजा दिए जाने व मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। भील समाज ने ज्ञापन की प्रति केंद्रीय महिला आयोग, केंद्रीय जनजाति आयोग, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री राजस्थान, राज्यपाल, महिला आयोग, जनजाति आयोग को भी प्रेषित की। ज्ञापन के दौरान समाज के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। 15 तारीख को विधवा महिला जो समाज लीलाबाई नाम था वो बकरे चरा के खेत से काम करके अपने घर पे पहुंच थी। रास्ते में गांव के एक लीलाबाई नाम के व्यक्ति ने उस महिला के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ बात कर लिया। उस महिला की निर्मम तरीके से उसने धारदार दांतों से हत्या से उसकी हत्या कर दी। हमारे लिए सर्व समाज लोगों की मांग की उस बंदे को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। और जो वो परिवार है उस महिला का हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुका, उसका परिवार अनाथ उसका उसके बच्चों की एक बहुत दयनीय स्थिति। हम ये चाहते हैं प्रशासन उस महिला की जो मृत महिला है उसके परिवार को आर्थिक मदद करे। उस बंदे को फास्ट ट्रैक में जो मामला चला था उस बंदे को फांसी की सजा दी।